एंड वेलकम टू माई चैनल। आज के ब्लॉग में मैं गाजर का हलवा का रेसिपी आप लोग से शेयर करूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैं 2.5 kg गाजर ली हूँ। 2.5 kg गाजर को मैं धो के छील के अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके मैं यहाँ पे बर्तन में रख ली हूँ, और इसका छोटा छोटा टुकड़ा कट करके मैं कुकर में बॉयल करूँगी फ्रेंड। इसमें यहाँ पे दूध मैं गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं। और दूध जब तक गर्म होगा तब तक मैं गाजर को छोटा छोटा बारीक बारीक टुकड़ा काट के उसके बाद मैं कुकर में डाल दूंगी। मैं आप लोग से, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं कैसे हलवा बना रही हूँ मैं आप लोग से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरा गाजर कट के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मैं दूध भी उबाल रही हूँ थोड़ा सा, और रेडपन दूध में आ जाएगा तो तब तक मैं इसको पकाते रहूँगी, अच्छे से रेड हो जाएगा। तब तक फ़िलहाल मैं अब इसको कुकर में डालती हूँ, मैं दिखा रही हूँ आप सबसे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं गैस जला ली हूँ और यहाँ पे मैं कुकर भी लगा दी हूँ फ्रेंड। मेरे पास टाइम नहीं मिला है घिसने के लिए, इस वजह से मैं शॉर्टकट में ऐसे जल्दी आसान भी होता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। घिसने में काफ़ी समय मर जाता है, टाइम लग जाता है फ्रेंड, इस वजह से मैं इसको घिस नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे कुकर में बॉयल करने के लिए चढ़ा रही हूँ, बनी रही है मेरे ब्लॉक में। देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा यहाँ पे कुकर चढ़ गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, देख सकते हैं मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दी हूँ, बाकी मैं बाद में घी डाल के बनाऊँगी। थोड़ा सा घी डालने से फ्रेंड स्वाद अच्छा आता है। और मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैं गाजर ऐड कर चुकी हूँ, और मैं इसको अच्छे से चला भी ली हूँ, अच्छे से चला भी ली हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे दूध भी मेरा बॉयल हो गया है, बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्का सा मैं इसको भी लगा दूँगी, देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ही फ्रेंड इसमें पानी ऐड करना है, देख सकते हैं फ्रेंड। मैं इतना इतना पानी ऐड कर रही हूँ इसमें ताकि अच्छे से सूख जाए। अब ज़्यादा पानी मैं ऐड नहीं करूँगी, बस इसी में हल्का सा पानी ऐड करके, और मैं 5-6 सीटी इसमें लगा लूँगी। देख सकते हैं बने रहिए ब्लॉक में। देख सकते हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पे ढक्कन लगा दी हूँ, और अब हल्के मीडियम फ्लेम पे इसको पका के 5-6 सीटी लगा के फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैं गाजर बॉयल कर ली हूँ, और बॉयल हो गया है, सब अच्छे से सीख भी गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सीख गया है। अब मैं यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए धर दी हूँ। अब मैं कढ़ाई गर्म करके इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं इसमें सारा गाजर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पहले। यहाँ पे घी है, थोड़ा सा मैं घी लेके इसमें डालूँगी, देख सकते हैं। इतना ही घी मैं अभी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें जो घी ऐड कर चुकी हूँ, और फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ा सा और घी। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे गाजर मैं ले ली हूँ, और इसको थोड़ा थोड़ा छुमके से कट कर देती हूँ। सारा पानी सोखने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दूध इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है फ्रेंड इससे, ऐसा पानी हल्का सूख जाएगा। इसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं इसको मिला ली हूँ। और मैं इसमें फिर मैं दूध डालूँगी तो मिलाऊँगी फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरह से मेरा हलवा रेडी होने वाला है। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा पानी सूख जाएगा ना फ्रेंड, तो दूध मैं इसमें मिलाऊँगी तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा।
देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैं दूध रखती हूँ, यहाँ पे मलाई में हलवा मैं डालने के लिए रखी हूँ। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गोभी भी फ्राई कर रही हूँ, साथ में दोनों काम हो रहा है, ऐसे हलवा भी बन रहा है। थोड़ा सा और दूध मैं इसमें ऐड करूँगी, हो गया था। अब मैं इसमें दूध नहीं ऐड करूँगी, अब इतना नहीं, हलवा को अच्छे से बनाना है, पकाना है। काफ़ी टाइम लग जा रहा था इसको बनाने में। फिलहाल फ्रेंड इस तरह से भी हुआ है अभी, और इसको सुखाएंगे अच्छे से, देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड लगभग होने वाला है। मैं अभी इसमें चीनी ऐड करूँगी, यहाँ पे मैं चीनी ले लूँगी, और यहाँ पे मैं इलायची को इसमें कूट के मैं हलवा में डालूँगी, और यहाँ पे मलाई है वो भी डालूँगी। फिलहाल मैं इसमें अब चीनी ऐड करती हूँ, देख सकते हैं इतना सारा चीनी ऐड की हूँ, और इसको हिला लेती हूँ। उसके बाद मैं इलायची को देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरा इलायची भी कुटा गया है, और मैं इसमें हलवे में एक चम्मच घी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे कि स्वाद अच्छा आए। उसके बाद मैं इसमें मलाई ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा और चीनी ऐड कर देती हूँ। इसके इलायची सारा कूट के मैं रखी थी वो भी ऐड कर चुकी हूँ। हलवा का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ चुका है, और मैं अब इसको अच्छे से चला लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे मेरा हलवा अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड। अब मैं गैस बंद कर दूँगी, अच्छे से मिल भी गया है फ्रेंड। ऐसे बनाने से टाइम थोड़ा तो हलवा बनाने में लगता है फ्रेंड, तो जिसमें तो भी अच्छा ऐसे भी अच्छा ही हो जाता है फ्रेंड। देख सकते हैं बन के अब रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से मिल गया है। चलिए ठीक है फ्रेंड, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड।